राधे राधे। चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी, वो भी घर पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पनीर भुर्जी को बनाना। तो चलिए यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच तेल डालते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब डाल लेते हैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। हमारा जीरा चटक गया है। अब यहीं पर 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसे चला लेते हैं और इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए यहाँ पे प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब यहीं पे खूब ढेर सारा लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे, और साथ ही में डालेंगे यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे प्याज लहसुन हमारा अच्छे से भून गया है। अब यहीं पे 1 बड़ा चम्मच ये बेसन डालेंगे। बेसन से बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी में टेक्सचर आएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर सब्ज़ी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। बेसन भून चुकी है। अब यहीं पर हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च। इस तरह से तेल में डाल के लेंगे तो इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब देखिए 1 मिनट हो गया भूनते हुए। अब यहीं पे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं, ताकि प्याज टमाटर हमारा अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मसाले हमारा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। टमाटर को गलने तक अच्छे से इसे पका लेते हैं, ताकि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। थोड़ी सी मसाले और ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे भुना हुआ कसूरी मेथी। सभी मसाले को मिक्स करेंगे और इसे मसाले को तेल सेपरेट होने तक पकाएंगे। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मसाले हमारा चिपक रहा है। तो देखिए मसाले हमारा चेक करते हैं पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से पक चुका है। रोगन ऊपर की तरफ आ गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, ताकि जितना मसाला अच्छे से पकता है उतना ही बढ़िया सब्ज़ी में टेस्ट आती है। तो हमारे मसाले अच्छे से पक गया है, कढ़ाई भी छोड़ आया है। अब यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए 1 गिलास के करीब कढ़ी ऐड कर रहे हैं। इसे ढक के छोड़ देते हैं, ताकि कढ़ी में एक अच्छे से उबाल आ जाए। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी उबल रही है। अब यहीं पे 1/2 चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, और इसे मिक्स करते हैं। हाँ, इस पनीर भुर्जी को और ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्रीम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो, तो आप यहाँ पर घर के दूध की ताज़ी मलाई ले सकते हैं फेंट के। अब मलाई डालने के बाद से यहाँ पर देखिए हम अपने पनीर को डाल रहे हैं। तो ये 300 ग्राम पनीर लिए हैं। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मसल के छोटा छोटा पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ले सकते हैं। अब सब्जी को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे पनीर को, और इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब चलिए लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेते हैं, और इसे मिक्स करेंगे। गैस को कर देंगे बंद। तो लीजिए, हमारा पनीर भुर्जी बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो इसे खाइए रोटी या नान के साथ, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय।